हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के पर एक बार फिर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम जिस वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं, क्या नाम था, रिव्यू करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस वीडियो, मुंह तो मत बना, मैं दिख रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, और आज जिस वीडियो का रिएक्शन हम करने वाले हैं वो है बाला का। एक टीजर आया हुआ है और आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर से एक और मूवी का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मुनीश और मेरा नाम है सुनील, और ये मूवी, इसका टीजर आ चुका है। अभी उनका एक मूवी का ट्रेलर चल रहा है जिसका सभी को अब बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उसका टॉपिक इतना अच्छा है, ड्रीम गर्ल। और इस वक्त बाला का जो टीज़र है वो भी आ चुका है। देखते हैं कि बाला के टीज़र में क्या है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ नया टॉपिक होगा, नया नई चीज़ होनी चाहिए जिस हिसाब से वो मूवीज़ कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो लीक से हटके ना कुछ करना चाहते हों, मतलब कुछ एक रेगुलर जैसी मूवी भी करना चाहते हों, एग्जैक्ट मतलब उसी ट्रैक पे ना रहना चाहते हैं जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस ट्रेलर को, इस टीज़र का रिएक्शन वीडियो। जियो स्टूडियो ये तो पुराना सा गाना है ना। हाँ, ये शाहरुख खान की पहली मूवी का गाना है दीवाना। ये क्या है भाई, इसके बालों को क्या हो गया, उड़ गए भाई। अरे यार, ये तो अमर कौशिक है डायरेक्टर, बाईस नवंबर अभी आ रही है, मतलब अभी एक उसकी वो आ रही है। 22 नवंबर 2019 है ना। हाँ, 2019 है, 2019 है भाई। वाह, मतलब टीजर देख के यार लग रहा है कि कुछ ये, मतलब इन्होंने अपना छोड़ा नहीं है, एक और टॉपिक लेके आए हैं, मतलब कुछ इस ओल्ड, यानी मेरे को ऐसा लगा कि शुरुआत की चीज दिखा रहे हैं। शुरुआत की चीज नहीं है ये, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं जवानी में ही। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, मतलब भगवान की दया से हमारे बच्चे हुए हैं अभी। तो जिन लोगों के 25 रोमांस करने की उम्र में बाल उड़ जाते हैं, कुछ लोगों के, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के जो 30 35 40 में भी बाल उड़ते हैं उनके लिए भी वो धक्का होता है 50 में, मतलब बाल उड़ना तो देखिए किसी भी उम्र में, पूरी दादाजी पूरी पर्सनालिटी चली जाती है ना, कि यानी बाल ना हो सिर पे तो पर्सनालिटी एकदम से चली जाती है। तो ये जो मूवी है ये भी अच्छी होने वाली है। और अमर कौशिक, आपने डायरेक्टर का नाम देखा, अमर कौशिक ने इससे पहले जो मूवी बनाई है, कौन सी बनाई है मुझे याद नहीं है, उन्होंने स्त्री मूवी बनाई है, वो उनकी पहली मूवी थी और वो बहुत अच्छी बनी थी। अमर कौशिक, मैं एक मेरे फ्रेंड है उनके साथ मैं काम करता हूँ, ही इज़ अ फोटोग्राफर। उनकी जो वो फोटोग्राफर हैं, जब श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था तो लास्ट फोटोशूट वही कर रहे थे उनका दुबई में, और अमर कौशिक जी उनके साथ रहते थे किसी ज़माने में मुंबई में। तो वो बताते हैं कि अमर कौशिक और उनका कैसा उठना बैठना था। तो मतलब अमर कौशिक एकदम से, मतलब जब उनकी मूवी आने लगी थी तभी उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरा फ्रेंड है और मूवी बना रहा है। तो अमर कौशिक जी एकदम से निकल कर टॉप पर इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा, मतलब जो पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर हैं उनमें उनका नाम आ चुका है स्त्री होने के बाद। तो अब इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो आयुष्मान खुराना, ऊपर से अमर कौशिक,
ऊपर से टॉपिक इतना मतलब बढ़िया है यूथ के बाल झड़ना और बालों वाले। मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे देश में अगर 100 करोड़ 120 करोड़ की 130 करोड़ की जनता है, हम 70 करोड़ मान के चलते हैं जो यंग जनरेशन होंगी, तो यंग जनरेशन के ये हर किसी की प्रॉब्लम है। कोई दादाजी भी बूढ़े हो गए अपने ये नहीं चाहते, कोई भी दादा के से पूछ लो कि बाल उड़ना कैसा होता है, वो भी यही चाहते हैं कि बाल रहने चाहिए। तो ये सबकी प्रॉब्लम है। तो 120 करोड़ हिंदुस्तानियों में से औरतों को छोड़ दो, ऐसा नहीं है औरतों के भी बाल झड़ते हैं और उन्हें ज्यादा वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि मर्दों के बाल झड़ना जो है वो आम बात है, औरतों के बाल झड़ना जो है वो तो और भी ज्यादा। तो यार सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है ना कि यार भाई ये फिल्म का टॉपिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें एक अगली भाई ये एक और फिल्म का टॉपिक हो सकता है, एक एक औरत के बाल झड़ना। तो चलो इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि उसमें से लगभग 50 करोड़ लोग जो है 50-60 रख लो वो मर्द हैं, और उसमें से लगभग 1 करोड़ लोगों के तो बाल झड़ते होंगे यार। 10 करोड़ के तो भाई 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ 10-20 आजकल आम प्रॉब्लम की मेन चीज़ क्या, आप जिस भी कहीं पे भी देख लो सब किसी के बाल यहाँ ये जो पोर्शन है ना ये वाला ये पहले झंडा शुरू होता है, फिर ये यहाँ से चांद बनता है फिर में, तो वो चीज आगे बढ़ने लग जाती है, तो हमारे भी बनना शुरू हुए हैं अभी तो ठीक है यार थोड़ी तो ये फिल्म भी बहुत बढ़िया होने वाली और इसी साल नवंबर में आ रही है। तो आयुष्मान खुराना ने एक के बाद एक दना दन मूवीज बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी मूवीज बना रहे हैं, तो अक्षय कुमार बनने वाले हैं अगले, तो साल की 5 मूवियां निकालना। तो इसी बात के साथ क्योंकि टीजर छोटा था और गाने पुराने लगा के उन्होंने सिर्फ हमें टीज करने के लिए बनाया है, उन्होंने एक टॉपिक अपना बता दिया कि ये टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक पे मूवी बन रही है तो बाकी दोनों गाने सही उठाए हैं बिल्कुल अच्छे गाने, यानी एक डायरेक्शन देने के लिए बिल्कुल सही फिट किए हैं कि प्यार का भी दिखा दिया और रहने भी दो यार तो दोनों गाने बिल्कुल सही चूज करे उन्होंने। वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। और आपको कैसा लगा ये टीजर, आपका पहली बार जब आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था, या आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का, फैमिली का, जिसके साथ भी आपने ये टीजर देखा है या आपने किसी को दिखाया है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, कोई गाना, कोई क्रिकेट मैच या कोई और वीडियो जिसके ऊपर आपको लगता है कि हम रिएक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें।